हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्लास 11 फिजिक्स नीट और जेई के लिए एक क्वेश्चन है। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। द फिगर शोज द मास एम मूव विद वेलोसिटी यू। देखो फिगर दे रखा है, ये मास एम है, ये वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग, ये रिंग है। एट द मोमेंट रिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव ऑन स्मूथ रोड, ठीक, स्मूथ रोड। तो यहाँ हमें ये वी आर निकालना है, या वेलोसिटी ऑफ रिंग, और इसी को हम रियल वेलोसिटी ऑफ रिंग भी कहेंगे। ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम लिखें इफ सॉल्यूशन, इफ स्ट्रिंग इज टाइट, देन वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग रिमेन सेम। एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट रियल वेलोसिटी ऑफ रिंग का ही कंपोनेंट करते हैं, ये दूसरा पॉइंट। तो ये वेलोसिटी यू है, तो देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी यू होगी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी यू होगी, और यू होगी, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी यू होगी, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी यू होगी, और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, गिवेन है। अब ये बताओ हमें किसका कंप्यूट करना चाहिए, रियल वेलोसिटी का। इसलिए यू इज इक्वल टू वी आर कॉस 60 डिग्री, राइट। लेकिन वी आर इज इक्वल टू यू कॉस 60 डिग्री, रॉन्ग। ये रॉन्ग है क्योंकि ये समझ लो, ये समझ लो। इसलिए यू बराबर वी आर और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, देन वी आर इज इक्वल टू 2u। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।